हेलो एवरीवन, आप सबके मैसेजेस आ रहे थे इंस्टा पे कि आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो। तो मैं बता दूं कि अभी थोड़ा सा मेरा टफ टाइम चल रहा है लाइफ का, पेरेंट्स के हेल्थ को लेके। पेरेंट्स मैं मम्मी को तो मैं खो चुकी हूँ, बट पापा की हेल्थ को लेके भी थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो उनको माउथ में अल्सर था और बहुत टाइम से था, मतलब था नहीं, आप बोल सकते हो बीच में कभी आता है फिर चला जाता है, फिर बीच में आता है फिर चला जाता है, और वो काफ़ी टाइम तक रहता है। जो नॉर्मल अल्सर होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं जनरली 1 वीक में, वो ख़त्म हो जाते हैं अपने लार्वा से ही ख़त्म हो जाते हैं वो, उनमें कोई मेडिसिन लेने की ज़्यादा नीड नहीं होती। बट पापा का ऐसा रहता है 1-1 मंथ रहता है, 2-2 मंथ्स रहता है, द मेडिसिन लेने से भी नहीं जाता। तो ये आई थिंक किंचू हुआ है उससे पहले की ही बात है। सबसे पहला मैं आपको फर्स्ट बता देती हूँ, 2015, एक साल पहले किंचू हुआ, उसके एक साल पहले से जब ये हुआ था तो पापा को एम्स में दिखाया गया। पहले नॉर्मल मेडिसिन ली गई, प्राइवेट दिखाया गया, बट 2-3 महीने ठीक नहीं हुआ तो लगा कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, फिर हमने एम्स दिखाया। मैं 5 से 6 साल से ही यहाँ पर हूँ और दिल्ली में हूँ। तो एम्स दिखाने के बाद डॉक्टर ने बायोप्सी किया उस चीज़ का, बायोप्सी करने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आया, कोई बात नहीं, फॉलोअप पे रखा डॉक्टर ने, और 6 साल से वो फॉलोअप पे थे। लास्ट 3-4 साल से डॉक्टर हमेशा बोलता था इन 6 सालों में पापा की कम से कम 5-6 बार बायोप्सी हो चुकी है, बट हर बार रिपोर्ट में नेगेटिव आता है। और हर बार रिपोर्ट में नेगेटिव आता है तो फिर डॉक्टर फिर से फॉलोअप करता है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट कुछ नहीं कहती तब तक आगे का फर्दर प्रोसीजर डॉक्टर नहीं कर सकते, रिपोर्ट के बेसिस पे ही करते हैं। तो रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है, फिर वो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स बाद बुलाते हैं। इस बार अभी 1 साल से क्या 5-6 महीने से पापा के माउथ में काफ़ी बड़ा सा, और डॉक्टर 3-4 साल से बोल रहा है कि ये वो चीज़ है, ये वही चीज़ है जिसका कि नाम लेने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नाम भी नहीं ले सकते उस चीज़ का, मैं अपने मुंह से नहीं ले सकती उस चीज़ का नाम। तो डॉक्टर का कहना है कि ये वही चीज़ है और इस चीज़ के लिए अब अभी का मैं जो बता रही हूँ, हम कल भी गए थे परसों भी गए थे, उसने बोला कि हमें आपकी बायोप्सी रिपोर्ट से अब कोई मतलब नहीं है, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ गई है, वो चीज़ जो इतनी थी वो इतनी बड़ी हो गई है, और उसकी बताया है सर्जरी। तो सिटी स्कैन हुआ, सिटी स्कैन में जो एरिया है यहाँ का अपर पैलेट जो होता है तालू, उस चीज़ में है, और पापा की हिस्ट्री भी रही है 25 ईयर्स की रही होगी शायद, 20-25 साल तो उन्होंने ये टोबैको और सिगरेट वगैरह किया है, अभी कुछ सालों से नहीं किया है, बट मुझे ऐसा डाउट है कि वो बीच बीच में कर लेते हैं छुपा के। लेकिन जो भी है उससे जो उनके नियर अराउंड है ना, जो उनके लव वंस हैं, मैं हुई, उनके बच्चे हुए, वो थोड़ा सा मतलब बाहर से स्ट्रांग है, नो डाउट, ये मेरे वीडियोस मेरी फैमिली वाले नहीं देखते, बाहर से स्ट्रांग हूँ मैं, लेकिन अंदर में एक छोटी सी एक वो एक शिकायत सी रह जाती है, क्यों हो रहा है ये सब, क्यों कर रहे हैं ऐसा, और क्यों ये सब हो रहा है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आपके पास जब तक खुशियाँ वाले पल है ना, उनको एंजॉय कर लो, पता नहीं लाइफ में कब कैसा मोड़ आने वाला है, दुख अप एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, कभी पहले आ जाते हैं किसी के, किसी के बाद में आते हैं, किसी के चल रहे होते हैं, और हर कोई यूट्यूब पे नहीं है हमें बताने के लिए, कितने सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो
तो जब तक आपके पास खुशियों के पल है ना, उनको जी लो, जी लो उनको। आपको नहीं पता कि कब कुछ टाइम ऐसा आए जब आपको स्माइल करने का भी मन ना हो, जब आपको किसी से बात करने का ही मन ना हो। तो मेरा यूट्यूब पे वीडियोस डालने का कारण यही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर हो रहे हैं, लगा रहे हैं, और बस एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि जो सर्जरी करानी है वो प्राइवेट कराना चाहिए। अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है ऐसा कुछ, सिटी स्कैन में थोड़ा सा बता रहे हैं ये चीज़ के लिए कि 99% ये वो चीज़ है, बट सिटी स्कैन से ज़्यादा विश्वास बायोप्सी रिपोर्ट्स पे होती है। कल बायोप्सी हुई है पापा की, फ्राइडे को, आज है सैटरडे, शायद रिपोर्ट बोलते हैं एम्स में ही कराया हमने। अभी हम प्राइवेट, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं होता प्राइवेट जाने का, एक ट्रस्ट ख़त्म हो गया है मेरे टाइम से, जब से मेरी प्रेगनेंसी में, जब उसने 1 मंथ बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था, मुझे नहीं पता था कि नहीं था, बट हमने एम्स में जब दिखाया तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला ये चीज़ नॉर्मल होती है, सभी में होती है, आप आराम से काम करो, नॉर्मल रहो। तो मेरा उस टाइम से ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक बार गवर्नमेंट एम्स में पूछ लेते हैं क्या है कैसा है। फिर सर्जरी समझ में नहीं आ रहा कि एम्स में कराएं कि प्राइवेट कराएं, प्लीज़ आप लोग कुछ सजेशन देना। मेरी आवाज़ पता नहीं आप लोगों तक पहुंच रही होगी कि नहीं, बट अगर आपके नोन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पता है आपको किसका क्या हुआ, प्राइवेट में कैसा हुआ। मैंने जहाँ तक पता किया है प्राइवेट में बोलते हैं कि प्राइवेट में जब नहीं संभलता है, केस ख़राब हो जाता है, तो वो एम्स में ही रेफ़र करते हैं। तो आपके लिए तो बेस्ट है कि आपका ट्रीटमेंट ही एम्स से चल रहा है और आपका सर्जरी भी आपको एम्स में मिल जाएगी। तो बस पापा की कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, अब सर्जरी जल्द से जल्दी होगी, देखो कब डेट देता है डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर है कि वो डेट। एम्स में दिखाना इतना इजी नहीं है, बहुत टफ है। तो इस टाइम बस मम्मी की याद आ रही है बहुत। खैर आपको मैं बीच बीच में अगर पॉसिबल हुआ तो बता दूंगी, क्योंकि इस चीज़ से ना, जैसे मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ कि इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है, किसी का एक्सपीरियंस रहा हो मैं देख लूँ कि प्राइवेट में कैसे होता है, गवर्नमेंट में कैसे होता है, क्या आगे का प्रोसीजर रहता है, पर एक रियल स्टोरी है ना वो मुझे कहीं नहीं मिल रही, तो मैं चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो मेरा, मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे ये सब चीज़ों से किसी की हेल्प हो सके, हमने कहाँ कराया, एम्स में कराया, एम्स में क्या प्रोसीजर रहता है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट मुझे अभी थोड़ा सा खुद संभलने के लिए टाइम चाहिए, और बीच बीच में मैं आपके साथ पापा की हेल्थ के बारे में शेयर करती रहूँगी, जिससे क्या है आप लोग के कमेंट्स जो आएंगे ना वो मुझे भी कुछ हेल्प और मोटिवेट करेंगे। मे बी शायद किसी के साथ कुछ उसने देखा हो, एक्सपीरियंस रहा हो किसी का, तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मुझे ना कहीं से भी कोई एडवाइस जो मिल रही है वो जहाँ तक एम्स की मिल रही है कि एम्स में कराओ, प्राइवेट काफ़ी ट्रस्ट 100% ट्रस्ट नहीं रहता, मुझे भी ट्रस्ट नहीं है। तो बस वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।